समराला विखे एक मां ने अपनी दो बच्चियां नाल नीलू नहर के पुल उपरों नहर में छाल मार दी, जिस तों बाद गोताखोरां ने मां और छोटी बच्ची को बाहर कढ लिया। समराला के हस्पताल के उस तों बाद उसनू दाखिल करवाया गया, जिते डॉक्टर वालों मां और छोटी बच्ची को बचा लिया गया, पर वड्डी बच्ची अजे भी लापता है। वड्डी बच्ची की उम्र 4 साल है, छोटी बच्ची 2 महीनों की। मिली जानकारी अनुसार अज सरहंद नहर नीलू पुल के कोल गुरदीप कौर पत्नी बेअंत सिंह वासी सानेवाल ने अपनी दोवें बच्चिया समेत नीलू नहर के पुल उपरों नहर च छाल मार दी, जिस तों बाद गोताखोरां वालों बड़ी मुश्किल दे नाल मां अते छोटी बच्ची नूं नहर विचों कढ के सरकारी हस्पताल समराला विखे भर्ती करवाया गया, पर अजे 4 साल की वड्डी बच्ची का कुछ पता नहीं लग सकिया। दस्सिया जा रहा है कि हस्पताल विच डॉक्टर वालों दोवां दा इलाज चल रहा है, जिथे मां की हालत बिल्कुल ठीक है उत्थे छोटी बच्ची का अजे इलाज चल रहा है। पुलिस वालों रिश्तेदारों के नाल संपर्क करन की कोशिश की गई और रिश्तेदारों के बयानों से उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। समराला विखे एक मां ने अपनी दो बच्चियों नाल नीलू नहर के पुल उपरों नहर में छाल मार दी, जिस तों बाद गोताखोरां ने मां और छोटी बच्ची को बाहर कढ लिया। समराला के हस्पताल के उस तों बाद उसनू दाखिल करवाया गया, जिते डॉक्टर वालों मां और छोटी बच्ची को बचा लिया गया, पर वड्डी बच्ची अजे भी लापता है। वड्डी बच्ची की उम्र 4 साल है, छोटी बच्ची 2 महीनों की। मिली जानकारी अनुसार अज सरहंद नहर नीलू पुल के कोल गुरदीप कौर पत्नी बेअंत सिंह वासी सानेवाल ने अपनी दोवें बच्चियों समेत नीलू नहर के पुल उपरों नहर च छाल मार दी, जिस तों बाद गोताखोरां वालों बड़ी मुश्किल दे नाल मां अते छोटी बच्ची नूं नहर विचों कढ के सरकारी हस्पताल समराला विखे भर्ती करवाया गया, पर अजे 4 साल की वड्डी बच्ची का कुछ पता नहीं लग सकिया। दस्सिया जा रहा है कि हस्पताल विच डॉक्टर वालों दोवां दा इलाज चल रहा है, जिथे मां की हालत बिल्कुल ठीक है उत्थे छोटी बच्ची का अजे इलाज चल रहा है। पुलिस वालों रिश्तेदारों के नाल संपर्क करने की कोशिश की गई और रिश्तेदारों के बयानों से उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। Subscribe to One India channel and never miss an update.